हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड वेलकम टू माय चैनल फील इंस्पायर्ड। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मुझसे बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लड्डू गोपाल जी को दिन में कितनी बार भोग लगाएं और उनको हम क्या क्या भोग लगा सकते हैं और कैसे उनको भोग लगाएं। तो ये चीज़ पर्सनली बहुत ज़्यादा मुझसे पूछी जाती है, बहुत जो मतलब फ्रेंड सर्कल में है या जो भी मुझे जानते हैं तो मुझसे बहुत बार ये सब चीज़ें पूछते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये सब चीज़ें आपके साथ भी शेयर करूं। तो फ्रेंड्स, ये गोपाल जी को जो हमें भोग लगाना है वो आपके अपने सामर्थ्य के अनुसार है। ये आप दिन में दो बार भी लगा सकते हैं, एक बार भी लगा सकते हैं, दिन में तीन बार, पाँच बार, आठ बार, आपका जितनी बार मन हो आप उतनी बार उनको भोग लगा सकते हैं और अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को सेट कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऑफिस गोइंग होते हैं, कुछ लोग कॉलेज गोइंग होते हैं, तो सभी लोग सभी रूटीन फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मेरा अपना खुद का रूटीन है, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो दिन भर जो मेरा टाइम रहता है वो घर में ही बीतता है। तो मैं अपना जो टाइम टेबल है जो मैंने बना रखा है, अपना जो रूटीन है मेरा, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसमें से अगर आपको कुछ भी पसंद आता है तो आप फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो जो आपका है वो आप अपना अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो मेरा जो रूटीन है, मैं वो दिन में लड्डू गोपाल जी को आठ बार भोग लगाती हूँ। तो कुछ समय पहले, जब मैं मतलब कुछ सालों पहले की जो बात है, तो उस टाइम पे मैं भी दिन में लड्डू गोपाल जी को कभी तीन बार भोग लगाती थी तो कभी पांच बार, तो मतलब कुछ फिक्स नहीं था। तो एक दिन ऐसे ही पंडित जी आए हुए थे जो पूजा पाठ करते हैं घर में हवन वगैरह करने के लिए, तो उनसे ऐसी ही बात हुई कि क्या मतलब उनको भोग मैं इस तरीके से लगाती हूँ तो क्या मैं सही लगा रही हूँ या नहीं लगा रही हूँ। तो उन्होंने जो मुझे बताया था, तो उन्होंने बोला था कि देखिए, वैसे तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी कोशिश करिए कि आप कम से भी कम दिन में उनको आठ बार भोग लगाइए। क्योंकि जब यशोदा मैया अपने कन्हैया का, अपने लाला को जो भोग लगाती थी वो दिन में आठ बार लगाती थी। तो देखिए, हम लोग तो यशोदा मैया के चरणों की धूल के कण के बराबर भी नहीं हैं, लेकिन हाँ कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि हम भी अपने लाला को दिन में आठ बार कम से भी कम भोग लगाएँ। तो अगर पॉसिबल है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो पांच बार, तीन बार या दो बार या एक बार, आपको जितना पॉसिबल हो पा रहा है आप उतना कर सकते हैं। तो अब हम भोग किस टाइम लगाएं, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ रहती है जो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं। तो मेरा जो शेड्यूल है वो ये रहता है कि मैं सुबह पाँच बजे उठती हूँ, पाँच बजे उठ के अपने आप नहा के तैयार होके तो मैं लगभग साढ़े पाँच बजे के लगभग गोपाल जी को उठाती हूँ। आधा घंटा मुझे अपने नहाने में, सब चीज़ों में, रूम की सफाई करने में लग जाता है। तो मैं ये सब काम करके साढ़े पाँच बजे मैं लड्डू गोपाल जी को उठाती हूँ। तो जैसे कि कुछ लोग रहते हैं कि लड्डू गोपाल जी को बिना नहलाए ही उनको दूध का भोग लगाते हैं, तो मैं ऐसे नहीं लगाती हूँ। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि जो लोग उनको बिना नहलाए भोग लगाते हैं तो वो गलत करते हैं, जी नहीं, वो सब उनकी श्रद्धा है, उनके भाव हैं। क्योंकि देखिए, ईश्वर हमारे भाव के भूखे हैं, तो ये उनके अपने भाव हैं। तो मतलब मुझे क्या रहता है कि मैं उनका जो भी काम करती हूँ वो मैं अपने से जोड़ लेती हूँ। तो मुझे रहता है कि अगर मैं सो के उठने के बाद बिना नहाए अगर चाय या दूध कुछ भी पी लेती हूँ तो मतलब मुझे थोड़ा आलस आ जाता है, नहाने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ें गोपाल जी के साथ जोड़ देती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर मैं उनको पहले ही दूध पिला दूँगी तो उनको नहाने का मन नहीं करेगा। जैसे कि अभी थोड़ा ठंडी है तो मतलब रहता है ना कि कंबल में बैठे बैठे अगर दूध मिल रहा है तो यार अब तो उठने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो ऐसा मैं उनके बारे में फिर सोचती हूँ। तो इसलिए मैं उनको कभी भी बिना नहलाए भोग नहीं लगाती हूँ। फिर मैं उनको नहलाऊँगी, अपना दिया जलाऊँगी और पूजा करके, आरती करके फिर मैं उनको दूध का भोग लगाऊँगी। सबसे पहले मैं दूध और जो ड्राई फ्रूट रहते हैं या नॉर्मली हम घर में लड्डू बना कर रखते हैं, लड्डू जैसे कि फ़िलहाल ठंडी का टाइम है, गाजर का हलवा भी रहता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका सामर्थ्य है, अगर आपका सामर्थ्य खाली दूध का है तो आप खाली दूध लगा सकते हैं, दूध या ड्राई फ्रूट या लड्डू या घर में जो भी मिठाई बनी है उन सब का आप सुबह को भोग लगा दीजिए। उसके बाद ये सब लगभग करने में मुझे छः से सवा छः का टाइम हो जाता है, तो मैं उस टाइम उनको पहला भोग लगाती हूँ। उसके बाद में, क्योंकि हम लोग ग्रस्त जीवन में हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो मुझे उन सब के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना होता है, तो पहले मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। हमारे यहाँ पर सभी दिन में तीनों टाइम का जो खाना बनता है वो सब बिना लहसुन और प्याज का बनता है, तो मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी, उन सबको सबके टिफ़िन पैक करके देकर उनको, वो लोग अपना ऑफिस निकल जाएंगे, स्कूल चले जाएंगे। उसके बाद मैं दोबारा से पूरा किचन साफ़ करके गोपाल जी के लिए नाश्ता बनाऊँगी।
तो नाश्ते में मैं जो भी मतलब रहता है, कई बार आलू के पराठे बन जाते हैं, तो कई बार हलवा बन जाता है, तो कई बार बेसन का चीला या मीठा चीला, जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको सही लगता हो आप वो बना सकते हैं। तो लगभग इस टाइम मुझे हो जाता है लगभग 8 बजे का टाइम, 7:30 से 8 बजे लगभग ये टाइम रहता है उस टाइम पे, जब मैं गोपाल जी के लिए नाश्ता बनाकर उनको नाश्ते का भोग लगाती हूँ। तो ये हो गया उनका दूसरा भोग नाश्ते का। उसके हमें जो हम तीसरे टाइम यहाँ पर भोग लगाएंगे वो हम रखेंगे 10:30 से 11 के बीच में, तो कभी कभी 10:30 भी लग जाता है, तो कभी कभी 11 भी बज जाते हैं। तो इस टाइम पे जो मैं भोग लगाती हूँ, मैं उनको माखन और मिश्री का भोग लगाती हूँ, क्योंकि उनको माखन और मिश्री तो बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो आप कोशिश करिए कि दिन में एक टाइम, किसी भी टाइम उनको माखन मिश्री का भोग ज़रूर लगाएं। तो मैं, मेरा जो शेड्यूल रहता है, ये तीसरे भोग का जो टाइम है वो मैं माखन और मिश्री का रखती हूँ। उसके बाद में जो मेरा फोर्थ भोग रहता है वो रहता है खाने का, जो लंच का भोग रहेगा। लंच प्रॉपर बनता है, दाल बनेगी, रोटी बनेगी, चावल और सब्जी, और साथ में रायता और सैलड, ये सब चीज़ें लंच में रहती हैं। तो प्रॉपर बिना लहसुन प्याज का बनता है, इसमें कोई वो नहीं है। तो सबसे पहले उनको भोग लगा दूंगी मैं 12:30 से 1 के बीच में, तो ये चीज़ रहती है। तो 12:30 से 1 के बीच में मैं उनको भोग लगा देती हूँ। तो उनको भोग लगाने के बाद में फिर मैं उनको मतलब मंदिर की लाइटें बंद कर देती हूँ और उनको सुला देती हूँ, क्योंकि वो आराम करते हैं उस टाइम पे। उसके बाद फिर मैं उनको जगाती हूँ 4:30 पर। 4:30 पर मैं मंदिर की लाइटें ऑन करूँगी और उनको जगाऊँगी। उस टाइम पे मैं उनको दूध का भोग लगाती हूँ, क्योंकि देखिए हम लोग दोपहर में सोते हैं और सो के उठते ही थोड़ा चाय का या दूध का मन करता है, तुरंत फ्रूट्स खाने का मन नहीं होता है, स्पेशली मेरा नहीं होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने अपनी सारी फीलिंग्स उनके साथ जोड़ रखी हैं, तो जो जो भी मुझे फील होती है या मैं अपने लिए फील करती हूँ, तो मैं अपने अकॉर्डिंग उनके साथ में भी वैसा ही महसूस करती हूँ, तो वैसे ही। तो फिर मैं उनको उस टाइम पे दूध का भोग लगाती हूँ। कई बार मैं खाली दूध भी लगाती हूँ, हाँ मैं बाजार की चीज़ों का भोग नहीं लगाती हूँ, जैसे बिस्किट या नमकीन, कुछ नहीं, उसके साथ में खाली दूध का भोग लगाती हूँ, या फिर घर में कुछ भी लड्डू वगैरह या गाजर का हलवा, जो जैसे कि मैंने सुबह में लड्डू का भोग लगाया था, तो दोपहर जैसे कि अभी मुझे लगाना है, जैसे गाजर का हलवा रखा है वो लगा देती हूँ। तो इस तरीके से मैं उस टाइम पर उनको वो भोग लगाती हूँ। फिर हम लोग 1 घंटा बाद लगभग 5:30 से 6 के बीच में, उस टाइम पे मैं उन्हें फ्रूट का भोग लगाती हूँ। तब मैं यहाँ पर जो भी सीजनल के फल रहते हैं, जो भी सीज़न में फल आते हैं, उस टाइम पे मैं उन्हें फल का भोग लगाती हूँ। और जो भगवान जी को जो भोग लगाया जाता है वो काट कर फलों को नहीं लगाया जाता, उनको मतलब जो पूरे फल होते हैं, जैसे कि एप्पल है, एप्पल का पूरा भोग लगेगा, केला है उसको छील कर और काट का भोग नहीं लगता है, तो पूरे का लगता है, तो वो मैं उनको भोग लगाती हूँ। फिर हम कुछ देर मतलब ऐसे ही अपना काम करूँगी, मेरा मैक्सिमम टाइम उनके पास ही बीतता है, क्योंकि मैं उनके पास बैठ के वीडियो वगैरह शूट करती हूँ और उनके लिए ड्रेसेस वगैरह बनाती हूँ, तो मैक्सिमम जो मेरा टाइम रहता है वो उनके साथ ही बीतता है, उनके पास ही बीतता है। फिर उसके बाद में हम बनाते हैं जो शाम का खाना रहेगा, शाम का खाना बनेगा, खाने में रोटी और सब्जी का भोग लगाती हूँ मैं, और साथ में एक मीठे का भोग लगता है, क्योंकि मीठा तो हम लोग परमानेंटली मतलब घर में भी खाते हैं, क्योंकि ये चीज़ भी है कि रात के टाइम पे सोने से पहले हम लोगों को दूध पीने की हैबिट नहीं है, बच्चे भी दूध नहीं पीते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ रात को खाने के साथ में कुछ भी मीठा दलिया, मीठी खीर या फिर जो मीठी सेवई रहती है वो मैं बना देती हूँ। उससे क्या रहता है कि दूध पीने की हैबिट नहीं है, कोई दूध नहीं पिएगा, लेकिन फिर भी दूध शरीर के अंदर जाएगा, तो मैं एक ये चीज़ सोचती हूँ। तो सेम वैसा ही भोग लड्डू गोपाल जी को लगेगा, लेकिन हाँ उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को मैं दूध का भोग लगाती हूँ, वो लगाती हूँ मैं रात को 8:30 से 8:30 के लगभग, क्योंकि जैसे कई बार रहता है कि डिनर थोड़ा सा लेट हो जाता है, मैक्सिमम हम लोग डिनर 7 बजे कर लेते हैं, 7 से 7:30 के बीच में, लेकिन हाँ अगर लेट हो जाता है तो कई बार 8 भी बज जाते हैं, तो ये टाइम रहता है। और ठीक 1/2 घंटा बाद मैं लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाती हूँ। तो ये हो गए दिन के 8 टाइम के भोग, जो रूटीन मैं फॉलो करती हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरा रूटीन तो ये है। और इसके बाद में है कि हम लड्डू गोपाल जी को भोग कैसे लगाएं। अब भोग लगाने के भी 2 तरीके होते हैं, या तो आप लड्डू गोपाल जी के सामने भोग की थाली रख दीजिए, क्योंकि जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि जो ईश्वर हो वो दृष्टि भोग लगाते हैं, तो या तो आप भोग की थाली उनके सामने रख दीजिए वो और आप घंटी बजाएं 3 बार और ताली बजाएं और उनसे प्रार्थना के गोपाल जी, कान्हा जी, जो भी आप उनसे, जैसे भी आप उनसे बात करते हैं कि आप भोग स्वीकार करें, तो 5 मिनट बाद आएं, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद आएं और वही 3 बार घंटी बजाकर, 3 बार ताली बजाकर और उनको प्रणाम करके वो भोग की थाली उठा लें। या फिर
दूसरा तरीका है कि आप गोपाल जी को जो आप भोग लगा रहे हैं उस खाने में से 5 निवाले उनको ज़रूर खिलाएं तोड़कर। जैसे कि रोटी है भोग में, तो आप रोटी सब्जी के उनको 5 निवाले खिलाएं, दाल और चावल हैं उनके खिलाएं, तो इस तरीके से आप उनको 5-5 निवाले ज़रूर खिलाएं। तो ये 2 तरीके हैं भोग लगाने के। और आप उनको क्या क्या भोग लगा सकते हैं, तो ये तो सब कुछ आपके अकॉर्डिंग है। कुछ लोग खाली फ्रूट्स का भोग लगाते हैं, जो कि मतलब स्कूल गोइंग रहते हैं, कॉलेज गोइंग रहते हैं या फिर ऑफिस गोइंग रहते हैं, वो मैक्सिमम ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स का भोग लगाते हैं क्योंकि उनको उतना टाइम नहीं मिल पाता, तो वो लोग इस तरीके से भी करते हैं। और कुछ लोग मतलब जो मेरे जैसे होते हैं, जो मतलब सभी चीज़ों का भोग लगा लेते हैं, क्योंकि भाई हम लोग तो घर में ही रहते हैं तो हम लोग सभी चीज़ों का भोग लगा लेते हैं। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मार्केट की चीज़ें उनको बिल्कुल भी ना दूँ, क्योंकि देखिए वहाँ पे कितनी साफ़ सफाई है, वो चीज़ें कैसे बनी हैं उस चीज़ों का हमें नहीं पता होता है। तो मैं मार्केट की चीज़ें हमेशा अवॉइड करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं घर पर बनाती हूँ, कभी टाइम मिला तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं उनके लिए नमकीन घर पर बना के रखती हूँ, बिस्किट घर पर बना के रखती हूँ, लेकिन मैं मार्केट की चीज़ें नमकीन बिस्किट कुछ भी उनको नहीं देती हूँ, ना मैं फ्रूटी चॉकलेट इस तरह का किसी चीज़ का भोग लगाती हूँ। बेशक चाहे वो कितनी भी साफ़ सफाई से बनी हो, लेकिन मेरा मन मानता नहीं है। बाकी आपके अपने अकॉर्डिंग है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। तो ये हो गई। और लहसुन प्याज का तो उनको बिल्कुल भी भोग नहीं लगता है, तो आपको अगर ऐसा कुछ है कि आपके घर में लहसुन प्याज प्रॉपर बनता ही बनता है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो आप उनको फ्रूट्स का भोग लगाइए, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाइए, मिठाइयों का भोग लगाइए, तो आप ऐसा भी रूटीन बना सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि पर्सनली मुझसे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो जितना हो सकता था मैंने उतना ज़्यादा आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। आपको मेरा रूटीन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।